नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, पता नहीं इनके सलाहकार कौन है, हर एक दो सप्ताह के अंदर कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, कुछ ऐसी बात हो जाती है जिससे उनकी किरकिरी हो जाती है, उनका मजाक उड़ने लगता है। अब इनको कौन समझाए कि राजनीति में थोड़ा पेशेंस बहुत ज़रूरी है। भावावेश में आकर के जल्दीबाजी में किसी मुद्दे पे, किसी इशू पे अगर आप बयानबाजी करने लग जाएं, अपने मुखपत्र में आर्टिकल्स लिखने लग जाएं, और ख़ास करके वैसे मौके पे, ऐसे मुद्दों पे जिसमें लोगों की भावना जुड़ी हुई है, और आप अलग गाना गाने लग जाएं, जन भावना के खिलाफ ही आर्टिकल लिखने लग जाएं, फैसले लेने लग जाएं, तो मुंह की खानी तो निश्चित है, मजाक उड़ना निश्चित है। अब शिवसेना के शकुनी, जो अपने आप को सबसे ज़्यादा अकलमंद और सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा रणनीतिकार, और उनकी भाव भंगिमा अगर आप देखें तो लगता है कि वो खुद को देश का सबसे बड़ा चाणक्य समझते हैं, संजय राउत, उनकी वजह से उद्धव ठाकरे की ऐसी बेइज्जती हुई है कि जिसके बारे में कहा जा सकता है कि इस तरह के नॉन पॉलिटिकल इशू को पॉलिटिकल बना करके आपने उद्धव ठाकरे का मजाक उड़वा दिया। और इस बात को लेकर के उद्धव ठाकरे नाराज भी हैं संजय राउत से। मसला क्या है? मसला ये है कि बहुत ज़्यादा इस देश के अंदर में, खास करके नॉर्थ इंडिया में, सोनू सूद जो एक्टर हैं उनकी वाहवाही हो रही है। वाहवाही क्यों हो रही है? वाहवाही इसलिए हो रही है कि वो बाकायदा लगातार ही, जब से कोरोना का कहर, जब से मुंबई में जो नॉर्थ इंडियन वर्कर्स हैं जो घर जाना चाह रहे थे, जिसके सामने कोई सुविधा नहीं थी, उसको वो लगातार बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश वो भेज रहे हैं, और भेज भी रहे हैं, और उसके लिए वो लगातार प्रयासरत भी हैं, और जिसकी वजह से सोशल मीडिया में उनकी काफ़ी तारीफ हो रही है। वो एक हीरो बन करके उभरे हैं, और अच्छी बात है, कोई भी ये काम करे उसका स्वागत होना चाहिए। कोई भी इस तरह से, जबकि लोग घर से नहीं निकल रहे हैं, और कोई शख्स लोगों के बीच जाकर के बसेस भेज रहा है, हवाई जहाज भेज रहा है, उनको घर पहुंचा रहा है, तो इसमें किसी के पेट में क्यों दर्द हो रहा था ये बात समझ में नहीं। लेकिन संजय राउत को लगा कि भाई ये तो मसला खराब है, और इसलिए उन्होंने सामना में एक आर्टिकल लिख डाला। क्या लिख डाला? लिखा ये कि ये सोनू सूद जो है वो एक एक्टर हैं, उनको महात्मा गिरी करने का शौक हो गया है, उनको महात्मा बनाया जा रहा है, ये बीजेपी का एक दलाल है, ये एक स्टूज है, ये एक्टिंग कर रहा है, तमाशा इसके पीछे का, मतलब एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो वामपंथी करते हैं, बिल्कुल उसी धरने पर शिवसेना जो है अब वो चली गई है। एक आदमी जमीन पर मेहनत कर रहा है, जो काम, वैसे मैं आपको बता दूं, जो काम आदित्य ठाकरे को करना चाहिए था, अगर शिवसेना वाकई एक फ्यूचर में आदित्य ठाकरे को एक बड़ा लीडर बनाने की अगर कोशिश कर रही है, तो जो काम आदित्य ठाकरे को करना चाहिए था वो काम सोनू सूद कर रहे थे। और इतनी सी अकल नहीं है संजय राउत में कि वो एक शख्स जो पब्लिक की नज़रों में हीरो बन गया है, उसको आप एक आर्टिकल लिख करके आप उसको पूरी तरह से निरस्त करने की कोशिश कर देंगे और लोग इसको बर्दाश्त कर लेंगे। संजय राउत ने कह दिया कि भाई ये तो दलाल है, इसके पीछे बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, कोई स्टिंग ऑपरेशन का हवाला दे रहे हैं, तो वो तमाम जो वामपंथियों का जो एक नेचर जो होता है वो अचानक से इनके अंदर, अचानक से एक करमचंद बन गए। लोग देख रहे हैं कि जमीन पे क्या हो रहा है, इन्होंने सवाल पूछना शुरू कर दिया कि राज्य सरकारें तो बसेस अपने मजदूरों को अपने यहाँ बुला नहीं रही है, ये कैसे भेज दे रहे हैं, ये ज़रूर जो है बीजेपी का कोई एजेंट है, ब्ला ब्ला, ये सारी बातें जो हो गई। अब हुआ ये कि इसका रिएक्शन बहुत तेज़ी से निगेटिव आने लगा। लोग संजय राउत, शिवसेना, सामना में जो आर्टिकल छपा उसको लेकर के बोलने लगे। खैर, कोई अकलमंद आदमी जो उद्धव ठाकरे का रियल सेंस में वेल्यूशर होगा, उसने कहा कि ये संजय राउत क्या कर रहा है, ये तो सिर्फ सरकार की ही किरकिरी नहीं करेगा, ये तो उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे इसके भी किए कराए सारे के ऊपर पानी फेंकवा देगा अगर इस तरह से पब्लिक के खिलाफ, जन भावना के खिलाफ इस तरह की बातें सामने आने लगेगी तो।
और इसके पीछे क्या कारण था? कारण ये भी था कि जब से सोनू सूद ने ये काम करना शुरू किया, वैसे ही कांग्रेस पार्टी सबसे पहले लपक गई। अरे कांग्रेस पार्टी में तो ये सब लोग, ये जो सड़क छाप किस्म के लोग हैं, जो सोशल मीडिया में ट्विटर फेसबुक पे फोटो लगा लगा करके ही राजनीति करवाना चाहते हैं इस देश के अंदर में, उनको कोई मुद्दा नहीं मिलता है तो सोनू सूद के पीछे पड़ गए। आपको तो अकल होना चाहिए, आप मुख्यमंत्री हैं, सोनू सूद महाराष्ट्र में रहता है, फिल्म स्टार कोई भी, चाहे वो फिल्म स्टार हो या कोई भी आम आदमी क्यों ना हो, अगर वो इस तरह से गरीबों मजदूरों की मदद करने के लिए सामने आया है तो सबसे पहले तो मुख्यमंत्री को ही उसका अभिनंदन करना चाहिए। लेकिन इनको चुके चुकते जब मन के अंदर चोर घुसा हुआ है, जब आपको राजनीति समझ में नहीं आती है, जब आपको लगता है कि आप गुंडागर्दी से जो है देश को चला सकते हैं, अपने राज्य को चला सकते हैं, तो आपने क्या, आपने उससे भी आप ईगो टसल आपने कर लिया। आप कहने लगे भाई ये बीजेपी का दलाल है। अच्छा ठीक है, इतनी दूर तक अगर बात रहती कि भाई चलो भाई आपको लगता है कि वो बीजेपी का आदमी कर रहा है, वो राजनीतिक तौर पे ठीक नहीं है, तो वहीं पर रहने देते, दुश्मनी कर लिया होता, आप इस बात पे डटे रहते कि नहीं सोनू सूद तो बीजेपी का आदमी है, वो ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि मुंबई में कोरोना की स्थिति खराब है, तो बीजेपी ने एक नया तरीका निकाला है कि किस तरीके से राज्य सरकार फेल हो गई है उसको प्रूव करने के लिए इस तरह के लोगों को क्रिएट किया जा रहा है। अगर यही दलील देनी थी तो इसी पे टिके रहते, फिर ऐसा क्या हो गया? फिर अचानक से सोनू सूद को मातोश्री बुला करके, और तो और बाकायदा आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे के साथ फोटो खिंचवा करके उसको प्रेस में रिलीज, उसको बाहर लाने की क्या जरूरत पड़ गई? कहने का मतलब ये कि सडनली उद्धव ठाकरे को लगा कि ये जो शकुनी है उनकी पार्टी का, वो पथभ्रष्ट हो गया, वो गलत रास्ते पे पार्टी को लेकर के जा रहा है। उसने एक ऐसा आर्टिकल लिख दिया है जिससे शिवसेना के लोग ही नाराज हो रहे हैं, और तो और बाकी सब, क्योंकि बैकलैश तो होगा अगर जिस शख्स को जनता हीरो मान रही है उसके ऊपर आप हमले करोगे तो बैकलैश होगा ही, और वो भी ऐसे अगर आप अच्छा काम कर रहे होते। आप देखिए बहुत सारे इस तरह के आरटीआई वगैरह निकल रहे हैं सरकार को लेकर के, आपने किस तरह से पीएफआई को के लोगों को लाशों के जो है अंतिम संस्कार करने का आदेश आपने दे दिया। उससे पहले खबर आई थी कि आप बिजनेसमैन लोगों को, वो बाधवान ब्रदर्स को जो है वो पिकनिक करने के लिए आप भेज रहे हो। मजदूरों की चिंता नहीं है, जितना पैसा अभी तक आया है मजदूरों पे, जो चीफ मिनिस्टर फंड के में अंदर जो 300 करोड़ से ज़्यादा पैसे आ चुके हैं, मालूम चल रहा है कि आरटीआई से खबर आ रही है कि आपने सिर्फ 28 करोड़ रुपए ही खर्च किए हैं, तो मिसमैनेजमेंट आपकी तरफ से है, और कोई शख्स आउट ऑफ द वे जाकर के लोगों की मदद कर रहा है तो आप उसको विलन बना लेंगे। और जब इतना हो गया, चलो भाई मैं तो ये कहता हूँ कि भाई आपने राजनीतिक तौर पर उसको इस तरह से किया, लेकिन फिर आपने ये ऐसा क्यों किया कि आपने सोनू सूद के ऊपर, क्योंकि ये इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि आपने दबाव दिया, जब आपको रियलाइज हो गया उद्धव ठाकरे को कि ये शकुनी मामा जो है वो गड़बड़ कर रहे हैं, इनकी वजह से जो है पार्टी और सरकार दोनों की जो है भद पिट रही है, तो आपने सोनू सूद को कहा कि भाई आकर के मिल लो, बातचीत कर लो, फोटो खिंचवा लो, ताकि ये जो पाप जो हुआ है उससे मुक्ति मिल सके। तो सोनू सूद को बुला लिया गया, सोनू सूद गए वहां मिले, और उन्होंने साफ साफ वो बाहर आकर के आए। और मैं इसलिए कह रहा हूं ये बात क्योंकि वो जो बाहर आकर के उन्होंने जो बयान दिया, जनरली क्या होता है कि आप किसी बड़े लीडर से, मुख्यमंत्री से मिलते हैं या फिर प्रधानमंत्री से मिलते हैं या किसी बड़े लीडर से मिलते हैं, तो बाहर आते तो आप उसका धन्यवाद देते हैं कि आपके उन कामों को जो है उन्होंने रिकॉग्नाइज किया, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन यहां क्या हुआ, यहां हुआ ये कि सोनू सूद बाहर आए तो जो एनआई ने जो ट्वीट किया है, जो उसका जो स्टेटमेंट है उसको जरा सा सुनिए। वो लिखते हैं कि वी हैव टू सपोर्ट ऑल द पीपल हु आर सफरिंग एंड नीड अस, आई विल कंटिन्यू अंटिल द लास्ट माइग्रेंट हैज रीच्ड हिज होम, एवरी पार्टी फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी हैज सपोर्टेड एंड आई वॉन्ट टू थैंक एवरी वन फॉर दैट। अब ये सोनू सूद के इस बयान का मतलब क्या है? बयान का मतलब यही है कि वो मातोश्री से बाहर निकलते हैं और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की सारी पार्टियों को उन्होंने धन्यवाद दे दिया। उन्होंने कहा कि जब तक वो लास्ट भी मजदूर मुंबई में फंसा रहेगा उसकी मदद के लिए वो वहां पे खड़े रहेंगे। अब
समझने की बात यही है कि अगर सोनू सूद किसी मदद के लिए उद्धव ठाकरे से मिले, अगर कोई आदमी ग्राउंड पे काम कर रहा है, मुख्यमंत्री से मिल रहा है, गृह मंत्री से मिल रहा है, प्रधानमंत्री से मिल रहा है, तो जरूर कोई बात होगी, कोई मदद की गुहार होगी, कोई कारण होगा। वो कारण तो इस बयान से नजर नहीं आ रहा। इस बयान से तो यही नजर आ रहा है कि उनको जबरदस्ती बुलाया गया कि भाई आकर के फोटो वोटो खिंचवा लो, ऐसा ना लगे कि हम बिल्कुल तुम्हारे खिलाफ चले गए हैं, सरकार और सोनू सूद के बीच में लड़ाई हो रही है। तो समझने वालों के लिए इशारा ही काफी है। इशारा यही समझ में आया कि संजय रावत की जो उल्टी चाल जो पड़ी है इस बार शिवसेना को, उसमें उद्धव ठाकरे साहब चारों खाने चित हो गए, हार गए। वो हार गए एक फिल्म एक्टर से, कोई बहुत बड़ा हीरो नहीं है सोनू सूद, लेकिन उसने अपने काम से, अपने जिस तरह से उसने कोरोना के इस कहर के दौरान खुद को कंडक्ट किया है, जिस तरह से वो लोगों की नजरों में हीरो बने हैं, तो वो इस राजनीतिक खेल में भी उद्धव ठाकरे से जीत गए। अगर जीते नहीं होते तो वो कम से कम इतना ज़रूर कहते कि उद्धव ठाकरे हमें बुलाए, या हमने जाकर हमसे मुलाकात की, हमने ये डिमांड रखा, उन्होंने मान ली, हम और भी इस तरह से लोगों को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें मुख्यमंत्री ने हमें बहुत ही सहायता देने की बात कही है, उन्होंने कहा कि जो कुछ चाहिए, इस तरह की कोई बातचीत नहीं हुई। आप सिर्फ फोटो ऑप के लिए इस तरह के काम करोगे और आप ये सोचोगे कि जनता जो है मूर्ख है, उसको आप इस तरह से बरगला दोगे। दरअसल शिवसेना के इधर दिमाग में कुछ प्रॉब्लम आ गया है। प्रॉब्लम ये आ गया है कि उनको लगता है कि वो प्योर एक राजनीति, कुटिल राजनीति करने वाली पार्टी होगी, जिसको जिसका एक ही मकसद रह गया है कि एन केन प्रकारेण वो सत्ता में बनी रहे। शिवसेना की ये इमेज लोगों की नज़रों में ये इमेज नहीं है। ये बात शिवसेना के जो रणनीतिकार हैं उनको समझना चाहिए। शिवसेना अपने इमेज के मुताबिक काम नहीं करेगी तो शिवसेना खत्म हो जाएगी। शिवसेना को जो करना चाहिए वो नहीं कर रही है। और तो और, कम से कम अभी भी वक्त है कि जिस तरीके से सोनू सूद ने सड़क पे उतरकर एक अच्छे इंसान होने का परिचय दिया है, एक अच्छा नेता होने के लिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को, उनके बेटे आदित्य ठाकरे को, अगर उनको राजनीति भविष्य में करनी है तो उनको भी सड़क पे उतर कर इस तरह से गरीबों के साथ खड़ा होना पड़ेगा। अगर जो काम सोनू सूद कर रहे हैं वो काम उद्धव ठाकरे ने किया होता, वो काम आदित्य ठाकरे ने किया होता, तो ये विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज करके ये जो मुस्लिम अपीजमेंट करने वाली पार्टी, ये जो दाऊद इब्राहिम की समर्थन करने वाली पार्टी, इन लोगों के साथ, ये जो भ्रष्टाचारियों के साथ आपने हाथ मिलाया, तो वो पाप थोड़ा धुल जाता। लेकिन बात वहीं आके टिकती है कि ये इनके सलाहकार ये कौन कौन से लोग हैं। अगर संजय रावत जैसे शकुनी किस्म के सलाहकार होंगे तो किरकिरी तो होनी तय है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।